महेंद्र सिंह धोनी दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, उनके करोड़ों फैंस हैं और हर रोज हजारों फैंस बढ़ भी जाते हैं। लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी को वनडे मैचों से भी रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया जा रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि धोनी ने रिटायरमेंट को लेकर कुछ ऐसा किया है जो बेहद चौंकाने वाला है। धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में करारी हार के बाद अंपायर से मैच की बॉल ले ली। अब हार के बाद बॉल की यादगारी रखना रिटायरमेंट का साफ साफ इशारा कर रहा है, क्योंकि धोनी ने ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी किया था जब उन्होंने टेस्ट मैचों से संन्यास लिया था। मगर अब चर्चा ये भी होने लगी है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को टेस्ट मैचों की तरह वनडे से भी संन्यास के लिए मजबूर किया जा रहा है। धोनी को कौन मजबूर कर रहा है आपको बताएंगे, लेकिन पहले धोनी के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। तो माही अपने नाम के मुताबिक हाल में प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। पहले वनडे मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, जबकि दूसरे मैच में धोनी ने 59 बॉल पर सिर्फ 37 रन बनाए थे। धोनी की इस पारी के बाद धीमा खेलने को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। वहीं तीसरे वनडे मैच में धोनी 66 बॉल पर 42 रन ही बना पाए और टीम का स्कोर ज्यादा नहीं पहुंचा सके और टीम मैच हार गई। इसी के बाद धोनी के रिटायरमेंट पर सवाल उठने लगे। फिर इसी बीच धोनी ने अंपायर से बॉल लेकर चर्चाओं को और बल दे दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर धोनी को कौन मजबूर कर रहा है? कप्तान विराट कोहली कभी भी नहीं चाहेंगे कि धोनी जैसे रणनीतिकार उनकी टीम से बाहर हो जाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि वनडे और टी20 में आधे वक्त तो विराट बाउंड्री पर रहते हैं और कप्तानी धोनी ही करते हैं। विराट का आधा काम धोनी कर देते हैं, ऐसे में विराट धोनी को मजबूर नहीं कर सकते। लिहाजा दूसरा नाम है रवि शास्त्री का। हालांकि रवि शास्त्री भी हाल ही में धोनी की जमकर तारीफ कर चुके हैं, लेकिन ये भी सच है कि धोनी को टेस्ट मैचों से संन्यास के लिए रवि शास्त्री ने ही मजबूर किया था। सामने कुछ भी बोलें, लेकिन शास्त्री धोनी को पसंद नहीं करते ये जग जाहिर है। तो ज्यादा संभावना यही है कि रवि शास्त्री धोनी पर दबाव बना रहे हैं और हो सकता है इसी वजह से धोनी बेहतर परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि वही धोनी जब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बिना किसी दबाव के खेलते हैं तो उनसे बेहतर कोई बल्लेबाज नहीं दिखता, मगर वही धोनी जब टीम इंडिया में आकर ऐसा प्रदर्शन करें तो इसका एक ही जवाब है, भारी दबाव जो धोनी पर डाला जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर धोनी पर दबाव रवि शास्त्री का है या फिर किसी और का, मगर जो भी हो हम तो यही चाहेंगे कि धोनी कम से कम वर्ल्ड कप तक जरूर खेलें ताकि एक और वर्ल्ड कप टीम इंडिया की झोली में आ जाए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।